तो इस मूवी की स्टार्टिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से होती है, जहां यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। रशियंस कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि यूएसए के अटैक से बच सके। इन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से वो सुपर हीरोज की एक टीम बनाना चाहते थे। इसमें वो लोग कुछ लोगों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं। इनमें से एक सुपर हीरो के पास ऐसी पावर थी जिससे वो एक खतरनाक जानवर में बदल सकता था। दूसरे हीरो की स्पीड काफी तेज थी और वो तलवार चलाने में भी माहिर था। तीसरे हीरो के पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को बिना छुए ही हिला सकता था। और चौथी हीरो एक लड़की थी जिसके पास इनविजिबिलिटी की पावर थी, यानी कि वो गायब हो सकती थी और पानी में अपनी बॉडी भी चेंज कर सकती थी। इसी के साथ वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी। दूसरी तरफ अमेरिका में भी इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। वहाँ के एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑगस्ट होता है, उसके कई एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट उसके उन एक्सपेरिमेंट्स को रोक देती है। जब ऑगस्ट को पता चलता है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसे उनसे जलन होने लगती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जलन के मारे वो अथॉरिटी से दूर किसी सीक्रेट जगह पर जाकर अपने कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। जब मिलिट्री को उसके इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता है, तो वो लोग उसे अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं। ऑगस्ट को पता चल गया था कि मिलिट्री वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी लैब में एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता है। उस बॉम्ब की वजह से मिलिट्री वाले तो मारे जाते हैं, लेकिन ऑगस्ट अपने ऊपर किए हुए उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उस बॉम्ब से बच जाता है। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता था। इसी के साथ वो मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद ऑगस्ट उस लैब को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जहां पर उन रशिया वाले सुपर हीरोज को रखा गया था। उन सुपर हीरोज को अभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। वो नहीं जानते थे कि ऐसी सिचुएशन में अपनी पावर्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसलिए वो सब हीरोज वहां से भाग जाते हैं और दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की एक मीटिंग होती है और उसमें वो लोग उन हीरोज को कहीं से भी ढूंढ निकालने का फैसला करते हैं ताकि उनके हेल्प से ऑगस्ट को रोका जा सके। इस मिशन की लीडर एक फीमेल ऑफिसर होती है जिसका नाम मेजर एलिना होता है और वो उन हीरोज को ढूंढने के काम पर लग जाती है। उनमें से पहला सुपर हीरो उसे एक कम्युनिटी में मिलता है। वो काफी टाइम से ऑगस्ट से बदला लेना चाहता था क्योंकि ऑगस्ट ने कई मासूम लोगों की जान ली थी, इसलिए वो मिलिट्री का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरा हीरो किसी दूसरे देश में मिलता है और वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए मान जाता है। तीसरा हीरो उन्हें एक जंगल में मिलता है और चौथी हीरो जिसका नाम जीनिया होता है, वो उन्हें एक टीवी शो करते हुए मिलती है जो कि टीवी शोज की वजह से काफी फेमस हो गई थी। और वो दोनों हीरोज भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ये हीरोज की टीम डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले ऑगस्ट की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उसकी लैब के चारों तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। इसके बाद जीनिया इनविजिबल होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऑगस्ट के लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग जीनिया को देख लेते हैं और उस पर अटैक करके उसको फ्रीज कर देते हैं। बाकी के दो सुपर हीरोज भी उन गार्ड से फाइट करते हैं और काफी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन दो हीरोज को भी किसी चीज से बेहोश कर देते हैं। इसके बाद चौथा हीरो जिसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी, वो खुद ऑगस्ट से फाइट करने जाता है क्योंकि वो ऑगस्ट का बहुत बड़ा दुश्मन था। ऑगस्ट भी उससे फाइट करने के लिए बेताब था। ऑगस्ट उस हीरो से बहुत पावरफुल था। वो कुछ ही पलों में उसे हरा देता है। इसके बाद ऑगस्ट उन सभी हीरोज के सामने ऑफर रखता है कि वो लोग गवर्नमेंट का साथ छोड़कर ऑगस्ट का साथ देने लगे, लेकिन वो हीरोज उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं जिससे ऑगस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो उन हीरोज को एक मैग्नेटिक फील्ड में मरने के लिए छोड़ देता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में उन हीरोज की पावर्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके बाद ऑगस्ट मिलिट्री के टैंक्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है एंड उनकी हेल्प से पूरी सिटी में तबाही मचाने लगता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो बड़े बड़े दो टावर्स को उखाड़ लेता है और हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से उन्हें कहीं ले जा रहा होता है। वो इन टावर्स की हेल्प से सभी टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, जिससे बड़े बड़े वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स उसके कंट्रोल में आ जाएं। इससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था और जो चाहे वो कर सकता था। इसके बाद मेजर एलिना उन सुपर हीरोज को जैसे तैसे करके ऑगस्ट की पकड़ से छुड़ा लेती है और उन्हें और पावरफुल करने के लिए ट्रेनिंग देने का सोचती है। इसके बाद मेजर एलिना ऑगस्ट के एक साथी को भी ढूंढ लेती है जो उसके साथ उसकी पुरानी लैब में काम करते थे,
ताकि उनकी हेल्प से वो ऑगस्ट की कमजोरी पता कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑगस्ट उन टावर्स को किसी जगह पर ले आता है और अपना प्लान स्टार्ट करने लगता है। जब मिलिट्री वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है। इसके बाद वो मेन सैटेलाइट पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेजर एलिना उन हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है और उन्हें उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग स्पेशल सूट्स भी दिए जाते हैं। इसके बाद ये टीम पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर ऑगस्ट के लोगों से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और बहुत से लोगों को मार भी देते हैं। इसके बाद ये हीरोज एक बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। उस बिल्डिंग और उस टावर को जोड़ने वाला एक पाइप था। ये हीरोज उस पाइप से होते हुए उस टावर पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑगस्ट के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। फिर ये हीरोज उन ऑगस्ट के लोगों से फाइट करके उन्हें मार देते हैं और उस टावर में चले जाते हैं। इसके बाद ज़ीनिया उस टावर के पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पावर को झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। वो लोग उस टावर की पावर को थोड़ी देर के लिए बंद करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग ऑगस्ट से फाइट करने लगते हैं, लेकिन ऑगस्ट उन सबसे पावरफुल था। वो उन सभी को मार मार कर उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। इसके बाद उनमें से एक हीरो बाकी के हीरोज के साथ एक प्लेन से भागने लगता है, लेकिन ऑगस्ट उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे बचने के लिए वो हीरो उस प्लेन से अटैच रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से वो सभी हीरोज पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद मेजर एलिना भी वहां आ जाती हैं। वो उन सब हीरोज को बताती हैं कि उसे ऑगस्ट के उस साथी से पता चला है कि ये चारों हीरोज अगर अपनी पावर्स को मिला लें तो उससे एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगी, जो कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे ऑगस्ट की पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। इस तरह से ऑगस्ट को हराया जा सकता है। इसके बाद वो सभी हीरोज अपनी पावर्स को मिलाने लगते हैं, जिससे एक पावरफुल एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसकी वजह से ऑगस्ट का पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऑगस्ट भी मर जाता है। इस तरह से ये सभी हीरोज पूरी दुनिया को बचा लेते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।